विगत 17 सितंबर यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से लेकर 2 अक्टूबर यानी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस तक भाजपा नेतृत्व द्वारा पूरे देश में सेवा पखवाड़े का आयोजन कर समाज सेवा से जुड़े विभिन्न कार्यों का निष्पादन कराने का आह्वान पार्टी कार्यकर्ताओं से किया गया था, ताकि देश की जनता को विभिन्न योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ मिल सके। इसी कड़ी में गुरुवार को मुजफ्फरनगर के जानसठ कस्बे में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड टीकाकरण कैंप का शुभारंभ संगठन के जानसठ मंडल अध्यक्ष राजीव गुप्ता द्वारा फीता काटकर किया गया। इस अवसर पर संगठन कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के सभी लोगों से इस कैंप का लाभ उठाते हुए अपना निःशुल्क कोविड टीकाकरण कराने का आग्रह किया। कार्यक्रम के दौरान पार्टी पदाधिकारियों ने सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न जन उपयोगी योजनाओं की जानकारी उपस्थित लोगों को देते हुए बीते 8 साल में केंद्र सरकार द्वारा कराए गए विभिन्न विकास कार्यों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार भी प्रकट किया। इस कार्यक्रम के विषय में और अधिक जानकारी देते हुए सीएचसी प्रभारी डॉक्टर अशोक कुमार व भाजपा पदाधिकारी राजीव गुप्ता ने बताया। देखिए, ये जो है पूरा सितंबर का माह हमारा माननीय जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये पूरा सितंबर का माह हर एक विभाग में अलग अलग जितने भी डिपार्टमेंट हैं गवर्नमेंट के, सब में अलग अलग गतिविधि हुई। जैसे आप अपने स्वास्थ्य विभाग को ही ले लो, तो यहाँ जो कोविड की थर्ड डोज है, प्रिकॉशन डोज भी जिसको बोलते हैं, वो लगाई गई है। और अन्य जो हमारे इसमें कल टीबी का कार्यक्रम है, फिर वृक्षारोपण है, तो इस तरीके से पूरे महीने कुछ न कुछ गतिविधि चल रही है। उसी के तहत आज फिर ये एक प्रिकॉशन डोज का महाअभियान पूरे जनपद में मनाया जा रहा है। तो इसके लिए जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं, इन सबको बुलाया गया है। जितनी भी हेल्प इन लोगों से होगी वो करेंगे। आज 29 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी संगठन के दिशा निर्देशानुसार देश के प्रधानमंत्री यशस्वी श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी सेवा पखवाड़ा के रूप में कार्य कर रही है। आज सेवा पखवाड़ा के कार्यक्रम में कोविड टीकाकरण का अभियान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जानसठ पर आयोजित किया गया। देश के प्रधानमंत्री जी ने कोविड टीकाकरण का के नेतृत्व में ऐतिहासिक कार्य हुआ है, जिसमें 200 करोड़ डोज लग चुकी हैं। आज बूस्टर डोज भी लगाई जा रही है जानसठ स्वास्थ्य केंद्र पर। देश के प्रधानमंत्री जी का जो अभियान है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और लोगों को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं।